Ma'am, your voice is low. Now is it okay? Yes, ma'am. तो उनका कहना था कि मूरख हो हित के वचन सुनी उपजत है गोप साप ही दूध पिवाइए वाके मुख विष ओ। वृंद जी का कहना था कि जिस तरह ना सांप, तो सांप के मतलब सांप कहने से ही हम लोग डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर विष होता है, जहर होता है, पॉइजन होता है, तो इसलिए हम लोग उससे डरते हैं। उसे देखते ही इंसान मारने के लिए दौड़ पड़ता है, क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर विष है, जहर है, अगर उसने काट लिया तो हम मर जाएंगे, या फिर ब्ला ब्ला बहुत तरह का डर हमारे अंदर होता है सांप को देखते ही। मतलब सांप के बारे में अगर जैसे ही अगर हम लोग जैसे ही कोई भी सुनता है सीधे एक ही विष मतलब, तो कहने का मतलब है कि सांप को अगर हम दूध भी पिलाते रह जाए ना, फिर भी उसके मुंह से विष ही निकले, क्योंकि वो उसका नेचर है, राइट? वो उसकी क्वालिटी है कि मतलब सांप जैसे कि हम एज अ ह्यूमन बींग, हम एज अ ह्यूमन बींग अगर बात करें तो हम लोग देखने सुनने का तरीके से होते हैं, हमारा भी नेचर अलग अलग होता है, हर इंसान डिफरेंट होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। हम अगर जो ब्रदर और सिस्टर जो सिबलिंग होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते। देखिए हमारा थोड़ा जो है तो होता है और उसके मुख से अमृत निकले या कुछ अच्छा निकले, जो भी होता है सांप को उसके मुख से हमेशा विष ही निकले। ठीक उसी तरह मूर्ख को उसके मतलब अगर मूर्ख व्यक्ति को हम अगर उसके लिए कुछ अच्छा भी बोल ले जाए ना, तो वो सुन करके उसे कुछ नहीं है। किंतु एक मूर्ख इंसान से ना जिसके पास दिमाग नहीं है, मूर्ख कहने का मतलब क्या होता है? दिमाग से काम ना करे, तो अपना दिमाग यूज ना कर सके, जिसे हर चीज गलत नहीं रखती हो, किसी चीज को समझने की ताकत नहीं रखता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति को आप उससे कितना भी अच्छी बात कहने क्यों ना जाए, उसे वो लगता है कि वो मेरे बारे में बुरा ही करती है और वो ये सुनकर गुस्सा ही होता है। तो ठीक इसी तरह आपको भी दूध पिलाइए या कुछ भी पिलाइए, उसके मुख में हमेशा विषी अपनी पहुंच विचारी के तत्त्व करिए दौर, तेते पाव बता दिए देती नाम के पाव। कहने का मतलब जिस तरह कहा गया है ना, इंसान जैसे देखो हम इंसान जैसे ही तुम लोग सभी कॉलेज में हो, जैसे स्कूल से पास आउट होकर स्कूल कॉलेज की तरफ बहुत लंबे लंबे सपने देते हो, कॉलेज में ये होगा वो होगा, लेकिन पढ़ाई के बारे में कभी भी नहीं सोचते। और जब हम चाहे तो कोई नौकरी करनी चाहिए या फिर कोई बिजनेस करने चाहिए, ठीक है, तो हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही चीजें आप कर सकते हो, उतनी ही चीज आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कि आपके पास ना 1 लाख है, तो आप 2 से 3 लाख के बिजनेस के बारे में सोच सकते हो कि चलो, लेकिन आपके पास 1 लाख है और आप सपना देखो कि हम 50 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाओगे। देखो कहा गया है कि अगर समझना है आउट ऑफ लिमिट जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज आपसे कनेक्टेड होती है कि क्या आप इतना सर पाओगे आउट ऑफ लिमिट जाने के, वो भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, सर पाओगे या नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपने सोचो कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, जितना कुछ आपके पास है उससे आगे बिजनेस कर सकते हो, वो चीज आपके पास नहीं हो जाती। याद है एक बार हम जब सेकंड क्यू में हम लोग वो करते थे,
इसमें लोग दूसरे के सामने बड़े बनने के लिए बोल देते हैं, हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन जाओ खाते हूँ मैं, जब मैं स्कूल द्वारा आपको मिलता है उस वक्त फिर कर जाऊंगा क्या खाते हुए लंबी लंबी। तो कहा गया है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पकड़नी चाहिए, मतलब चादर जितनी बड़ी है अगर आप पैर को फोल्ड करके उसके अंदर ही ऐसे करके सो गए तो आपको पूरा बॉडी कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पैर पसार लिया मतलब कि थोड़ा स्ट्रेच छोड़ ले और चादर छोटी हो सबको कंट्रोल करनी चाहिए, इंसान कोई भी चीज करने से पहले बहुत विचार करना चाहिए तभी जाकर उस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते। जान परंतु है कार्तिक ऋतु बदलने का मामी, ऐसे किसी ना हम आसमान में जितनी बादल को देखते हैं वहां सोचते हैं क्या क्या ठंडी मौसम आने वाली है, और हम लोग ना सामान वामान अपने घर के अंदर रखे रखते हैं या फिर घरों को खोलने लगते हैं, मतलब इन द सेंस कि हमें लगता है कि अब तो मौसम ठंडा हो गया अब ठंडी की जरूरत नहीं है, तो ठंडे पानी की तो मौसम ठंडा हो जाएगा, तो फ्रिज वाटर की जरूरत नहीं है, तो मटकों को फोड़ कोई भी चीज ना कम्प्लीटली जब तक आपके सामने ना आ जाए उसके बारे में सही सोच करके काम को रोकना नहीं चाहिए ना ही बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपके काम को ठीक करने नहीं आएगा और ना ही अब किसी दूसरे के भरोसे सोच करके अपना मेहनत करना अब छोड़ दो। इंसान को तब तक मेहनत करती रहनी चाहिए जब तक आपका काम ना हो। अब आपको लगता है कि चलो आज मैं ना ये जैसे तुम लोग करते असाइनमेंट अगर दिया जाता है तो जनरली तुम लोग अरे अभी तो टाइम है ना मैं परसों माना है बस रात को लिख, हो सकता है आपका शो में कुछ ऐसा वजन बहुत आ जाए जो आपको इन द लास्ट मोमेंट आपको ऐसा एक्सपेक्ट करके कोई चीज खो दी, हो सकता है तुम पूछो अरे ये असाइनमेंट ही तो है ना हमारे बहन से अपने भाई से अपनी मम्मी से अपने पापा से किसी से भी लिखवा लें, हो सकता है ऐसा लास्ट मोमेंट वो आकर के बोले मैं इधर फंस गया था मैं नहीं उस वक्त आपके पास कोई टाइम नहीं आता है अगर तो किसी दूसरे के भरोसे ना कोई काम छोड़ने ना जो जाको गुन जाए सो ही आदर दे तो की अवरी वेट में कान में बॉडी में मतलब ना लोग अपने मुंह से अगर किसी को बोलते नहीं मतलब इसके बारे में हम क्या नहीं मतलब तुम नहीं खाते नहीं तब पिछले हफ्ते में भी ऐसा था फिर देखते जिससे पेशेंट इंप्रेशन आता था मुझे बहुत फर्क मतलब बहुत रूल जरूरी नहीं है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो और जो जैसा दिख रहा है वैसा हो जाए, ये सही बात नहीं। इसीलिए किसी भी इंसान के बारे में ना तो अपनी ओपिनियन देने से पहले उससे बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश करो, जब बोलता है तभी पता चलता है वो इंसान कैसा है अच्छा है या वो, जैसे ही जब बसंत ऋतु मतलब कुछ भी सीजन जब आता है तो लगता है कि कौवा और कोयल दोनों घूमने लगते हैं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौवा बोल रहा है कि कोयल, क्योंकि हमें दोनों की आवाज के बारे में पता है, कोयल कैसे बोलती है कौवा कैसे बोलता है, तो जब कौवा बोलता है तो हम बोलते हैं अरे नहीं ये कर्कश आवाज है ये कौवा की और मीठी आवाज जो है वो कोयल की, तो इसीलिए इंसान को बिना किसी की ना आवाज सुने बिना किसी से बात किए कभी भी किसी के बारे में भी ओपिनियन नहीं चाहिए तो कहता है। नेक्स्ट मन भाव के मिलन की सुख को नहीं छोड़ बोली उठे नची नची उठे प्रमोद सुनत घन से, भले बुरे सब एक थे
जगह तो लिए तो आता है, तभी हम कोयल और कौवे की आवाज सुन करके उसके फल को जान सकते हैं। इसी तरह जब तक इंसान बोलता नहीं है उसके बारे में जान नहीं, जो आपको पंजाबी को टीवी आता है तो फिर अगर ये प्रकार नहीं वाली व्यक्ति तो देखो जो व्यक्ति मतलब किसी के बारे में अगर आप जानते हैं कि वो इंसान काफी अच्छा है तो आप उससे ना रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते ना इंसान की रिस्पेक्ट उसे दे नहीं पाते। जैसे कोयल जो है ना एक बार बोलते है कि इंसान ना जैसे तुम लोग हर कोई कितना भी पक जाए ना वो कड़वाही होता है क्योंकि वो नीम का फल होता है। तो इसीलिए बोला गया कौवा निम्बोली खाता है जिससे कर्कश होता है और कोयल आम खाती है इससे मीठा। मन भावन के मिलन से सुख को नहीं छोर बोली उठे नची नची उठे। जैसे मोर जो है ना हम सुनते हैं ना कि मोर बादल को देखती है नजर से देखती है मीठा बोलने लगती है नाचने लगती है। वैसे ही अगर जो जिस व्यक्ति से मतलब कि जिस प्यार करते हैं जिससे भी आपके मन में प्यार है अगर वो इंसान जब बोलता है ना आपको बड़ा अच्छा लगता है आवाज क्योंकि वो आपके लिए प्यार बहुत प्रिय होता है। उसी तरह जिस तरह मोर हो वो बादल काफी प्रिय इसीलिए जो जिसको जितना प्यारा होता है जिससे भी जो चीज प्यारी होती है उसे हमेशा अच्छी नीरस बात सोई सरस जहाँ कोई ही अभी गारी प्यारी लगे जो जो संबंध दे। कहने का मतलब कि जिस इंसान के लिए आपके मन में प्यार है आदर है सम्मान है उसकी खराब बात भी ना आपको अच्छी लगेगी। जैसे देखो जो तुम्हारा दोस्त है हम लोग जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं एक दूसरे को ना पूरा भला भी बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी उसकी बातें हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर वही चीज अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें बोल दे तो हम उसे मारने पीटने भी चलते हैं। तुम्हारी ये मजाक तुमने मुझे ऐसे बोला बुरी बात है तुमने मुझे बोली। लेकिन अगर वही आपका अपना भाई अपनी अपना फ्रेंड अगर बोल दे तो वो इंसान को बात अच्छी तो बात कभी भी खराब नहीं होती। बस मैटर ये रहता है कि कौन उसे बोल जिससे आप प्यार करते हो और जिससे नफरत हो। वही एक बार प्यार करने वाले के लिए दूसरा दूसरे की रिंग लेकर के आता है और नफरत करने वाले के लिए फिर न हवे है कपट सुख जो कीजे व्यवहार जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बात। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक बार आप लकड़ी की काठी लकड़ी की हांडी मतलब कि पॉट जिसमें हम खाना बनाते हैं अगर उसे चूल्हे पर रख दें उसे फिर से आप उतार करके नहीं चला सकते क्योंकि लकड़ी की होती बनने के बाद वो उसी में जल जाएगी क्योंकि लकड़ी है जिसे जलाना काफी आसान। इसी तरह जो मनुष्य कपट खुले मतलब जो बहुत क्या बोलते हैं कपट मतलब की छल जो मतलब झूठ करते हैं जिसे हम फ्रॉड कहते हैं धोखा देने वाले इंसान अगर वो अगर बिजनेस करना शुरू करे ना तो उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि छल कपट और धोखा देने वाला इंसान अपने बिजनेस में भी वही करता रह जाएगा और बिजनेस ईमानदारी से चलती है ना कि कपट से। स्क्रॉल डाउन नैना देत बताए सब ये को हेत अहेत जैसे निर्मल आरती भली बुरी कहते। देखो कहने का मतलब है कि जिस तरह एक दर्पण में ना इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है मतलब कि मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो वैसा ही दिखता है। ठीक उसी तरह अगर जैसे ना
ये तो सबको पता है ना कि आईज हमारी जो है ना वो काफी सच बोलती है। आप किसी के आईज एक्सप्रेशन को देख करके समझ सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, वो आपके लिए प्यार दिखा रहा है या अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा है। तो जितना मिरर सच बताती है ना, उतना ही आपकी आंखें भी सच बताती है। अफरान स्क्रॉल डाउन। सबे सहायक सबल की कौन निबल सहाय, पवन जगावत आरु को कही देत बुझाए। जिस तरह ना तेज हवा जब चलती है तो एक छोटे से जलते हुए दीपक को भी ना बड़ा सा आग बना सकती है, लेकिन वही दीपक को बुझा भी राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा भी जरूरी है दीपक को जलाने के लिए, और उसी तरह अगर तेज हवा बहती है तो बुझ भी जाती है और वरना एक बड़ी आग में बदल देती है। तो संसार का यही नियम है कि जब तक ना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब कि बलवान व्यक्ति अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो आपके सारे प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन अगर वही कोई हेल्पलेस इंसान अगर आपकी हेल्प करने आता है तो वो कभी आपकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो खुद ही निर्बल, जिसके पास किसी की कोई ताकत नहीं है। तो इसीलिए इंसान को ना हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप जिससे मदद मांगने जा रहे हो मतलब कि हेल्प लेने जा रहे हो, क्या वो एबल है आपको हेल्प करने लायक है या नहीं है। तो इंसान को मदद मांगने टाइम भी ना ये सोचना चाहिए कि वो इंसान आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। डन, एनी डाउट? No, ma'am.